हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रिंस टेक पर। आज हम बात कर रहे हैं फेब्री के अपडेट के रिव्यू के बारे में। ये वीडियो मुझे जल्द बना लेना थी, लेकिन मैं इसका जो है अपडेट का फीडबैक निकाल रहा था इतने टाइम से, क्योंकि आप तक मेरी जो है इन्फॉर्मेशन एकदम परफेक्ट पहुँचना चाहिए। कुछ तो भी बना करके तो वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन मेरे को आपको एकदम एज इट इज परफेक्ट न्यूज़ देना है, बिल्कुल परफेक्ट फीडबैक देना है, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम हो गया। तो चलिए बिना देर किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, लेट्स गो। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो है इसके अंदर जो है सबसे बड़ा मेजर बग देखने को मिला है, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूं इसका जो नोटिफिकेशन पैनल है इसके अंदर देखने को मिला है, जो कि अभी भी क्लियर नहीं हुआ है। यानी कि जैसे हम इसकी नोटिफिकेशन प्लेट को ऐसा खींचते हैं तो ये सिर्फ इतनी ही ओपन हो पाती है, आधी हाफ। मैंने इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो लेकर के रखी है ताकि आपको दिखा सकूं। तो मैं आपको बताता हूं स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो, ये देखिए, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल इसके नीचे नहीं जा रही है, ये सिर्फ इतनी हाफ में काम कर रही है। तो मैंने इसलिए इसको रिकॉर्ड कर लिया था उसी समय कि आपको बता सकूं कि ये जो वाली प्रॉब्लम है ये अभी भी लगातार बनी हुई है। तो इसके ऊपर भी मैंने फीडबैक डाल दिया है, आप भी फीडबैक डाल दीजिए, अगले महीने हो सकता है ये बग फिक्स कर दिया जाए। नेक्स्ट चलते हैं हम बैटरी की साइड में। तो जी हाँ, बैटरी ड्रेनिंग की समस्या भी लगातार बनी हुई है। देखिए अभी भी 68% बैटरी है इसकी, जबकि ये लगातार बैटरी जो बैकअप का जो वो टाइमिंग है वो भी गिरता जा रहा है। मैं आपको बता देता हूँ वो भी आपको यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप, 6:30-6 बजे के समय जो है इसको चार्ज किया था, तो वो मैंने लगभग इसको चार्ज किया था ये 80% और ये 10% गिर चुकी है 4 घंटे के अंदर, 3.5-4 घंटे के अंदर। और ड्रेनिंग की समस्या रात में भाई ज़्यादा आती है जब मोबाइल फ़ोन रख के सोते हैं, तो ये वाली समस्या भी अभी लगातार बनी हुई है। अब बात करते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की, तो बग फिक्स हुए हैं और क्या चीज़ ऐड हुई है। तो सबसे पहले पॉजिटिव पॉइंट की साइड चलते हैं, तो हमें जो है यूट्यूब के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिला है, जिसके अंदर मैं आपको बता देता हूं क्या क्या फीचर ऐड हुआ है यूट्यूब के अंदर। यहाँ पे आपको लिखना है 4K वीडियोस, और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं जो 4K वीडियोस के रिजोल्यूशन है वो यहाँ पर जो है कंपनी ने Xiaomi ने बहुत शानदार तरीके से ऐड कर दिए हैं। मतलब यहाँ पे 1080 वाला जो सिस्टम हैगा रिजोल्यूशन का, वो भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी कितनी शानदार क्वालिटी है, बिल्कुल एकदम क्लियर, और ये फुल FPS के साथ में, 60 FPS के साथ में भी आपको जो है क्वालिटी देखने को मिलेगी। आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा साउंड प्ले करता हूँ इसका, ये देखिए क्वालिटी बहुत शानदार हो चुकी है, बिल्कुल एक नंबर ए क्वालिटी के अंदर। तो आप ये जो है हाईली रिकमेंडेड जो रिजोल्यूशन होता है उसका भी यहाँ पर मज़ा ले सकते हैं। ये एंड्रॉयड 11 के साथ में जो है कंपनी ने इसके अंदर ऐड किया है, जो कि इस पहले 720 था खाली। तो ये बात एक अच्छी है जो कि यूट्यूब में ऐड हुई है। अब बात करते हैं हम एक नए फीचर की जो कि ऐड हुआ है सेटिंग के अंदर। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 5G लिख करके, यहाँ पर जो है 5G लिखते हैं तो एक 5G स्विच आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये अभी किसी प्रकार के यूज़ में नहीं है जब तक कि यहाँ पर जो है 5G नेटवर्क अवेलेबल नहीं हो जाता है, जब तक इसका कोई उपयोग नहीं है। तो ये सिर्फ खाली हम देखने के लिए मान सकते हैं कि इसके अंदर जो है 5G स्विच जो है ऐड कर दिया है, तो हो सकता है इन फ्यूचर इसका कोई यूज़ आए जब 5G नेटवर्क हमारे बीच में उपस्थित हो, उस समय हम इसका यूज़ ले सकें। अब बात करते हैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर की। तो देखिए प्रॉक्सिमिटी सेंसर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं काम नहीं कर रहा है, लेकिन मेरे मोबाइल में तो बराबर वर्क कर रहा है। मैं आपको करके भी बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो है बिल्कुल एकदम से काम कर रहा है, इसीलिए मैं आपको करके बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना है वर्क नहीं कर रहा है, तो ये देखिए प्रॉक्सिमेटली सेंसर आप बिल्कुल आसानी से वर्क कर रहा है। तो हो सकता है भाई आपके मोबाइल में कुछ दिक्कत हो फिजिकली कंडीशन में, तो आप उसको जो है एक बार जो है रीस्टार्ट कर लें, और फिर भी ना हो तो एक बार रीसेट कर लें, तो हो सकता है वाली प्रॉब्लम क्लियर हो जाए प्रॉक्सिमेटली सेंसर वाली। अब बात करते हैं एक नए ऑप्शन की जो कि सेटिंग में ऐड किया है डेवलपर ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पर
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है आपको एक DSU लोडर के नाम से एक ऑप्शन ऐड कर दिया है एंड्रॉयड 11 के अंदर। इस DSU लोडर का क्या यूज़ है मैं आपको बता देता हूँ। अभी थोड़े वक्त के बाद में जब इसका एंड्रॉयड 11 का सपोर्टिंग सिस्टम पूरा हो जाएगा, मतलब कि इसके जो मेजर बग्स हैं उनको फिक्स कर दिया जाएगा, उसके बाद में जो इसके सिक्योरिटी अपडेट आएंगे वो DSU लोडर के अंदर जो है आपको देखने को मिलेंगे। मतलब इसके अंदर जो है डेवलपर ऑप्शंस के जो अंदर जो DSU लोडर मिला है ये इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ अपडेट्स देखने को मिलेंगे। तो ये भी अभी जो है काम में नहीं आ रहा है, मतलब सिर्फ खाली ऐड हुआ है। इसका यूज़ भी कंपनी हमें बाद में बताएगी कि इसका क्या यूज़ करना है। अब बात करते हैं लास्टली एक बड़ी जो मेजर दिक्कत आ रही है लोगों को, और यहाँ तक के मेरे को भी आ रही है कि कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद में वो क्रैश हो रहा है। मतलब कि जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो बताता है कैन नॉट ओपन दिस टाइम देन वेट अगेन एंड रिट्राई करके एक ऑप्शन आता है, तो वो वाली प्रॉब्लम में भी इसमें लगातार बनी हुई है। तो वो प्रॉब्लम भी मैंने फीडबैक कर दी है, आप भी जो है उसका फीडबैक डाल दीजिए। सेटिंग में जाकर के यहाँ से आपको फीडबैक डालने हैं यहाँ पर, और यहाँ पर फीडबैक डालने के बाद आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन से फीडबैक डाले हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप जो है फीडबैक डाल दीजिए क्रैश एप्लीकेशन की भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं जल्दी लगातार ऐसी वीडियो के साथ में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और सबसे खास बात भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ, क्योंकि इस पर लगातार आपको ऐसे ही टेक्निकल वीडियोज मिलते रहते हैं।